डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, वो आज है सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजेड। सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजेड आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। ये वाला टॉपिक छोटा सा है लेकिन एक एटम बम की तरह है। मीन्स इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, चाहे मैं फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूँ, चाहे DCO, चाहे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं। तो देखिएगा जो कौन कौन से पॉइंट्स है वो बात करेंगे। इसका फार्माकोलॉजी में आपको अलग से डिस्क्राइब करूंगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। एज वेल एज यहाँ पे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पूरा वीडियो देखना, जो जो चीज बता रहा हूँ उन चीजों को ध्यान देना, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या लिखना है और उसमें किस तरह से मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अपन बात करते हैं सिंथेसिस, आइसोनियाजेड सिंथेसिस। आइसोनियाजेड का बात आता है तो शायद आपको पता होगा, इट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर मतलब टीबी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, टीबी की बात कर रहे हैं, जिसका अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली आइसोनियाजेड कौन सी कैटेगरी की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किसका, टीबी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम फर्स्ट लाइन ड्रग याद करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड याद करना है, PERIS, जिसको हम पेरिस बोलते हैं। इस पेरिस से शायद आपको सारी ड्रग्स याद हो जाएगी जो फर्स्ट लाइन है। P stand for pyrazinamide, E stand for ethambutol, R stand for rifampicin, I stand for isoniazid, S stand for streptomycin. These five drugs act as first line of treatment that for टीबी, ओके, ट्यूबरक्लोसिस। इसका फार्माकोलॉजी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड कहाँ होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल मेम्ब्रेन वगैरह में होता है, तो वहां पे उसका इनहिबिशन करता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक लोअर डोज में रहता है और हाई डोज में ये बैक्टीरियोसाइडल नेचर होता है। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पे ये आइसोनियाजेड काम करता है। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे ध्यान देना, इसका आइसोनियाजेड का हम सिंथेसिस कैसे करेंगे। और इसका आपने एक चीज और सुना होगा, हम इसको INH के नाम से भी जानते हैं। तो ये INH क्या होता है, ये भी चीज मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर ये मैं आपको याद करवाता हूं। स्ट्रक्चर इस सिंथेसिस बहुत इजी दिख रहा होगा, लेकिन इसको किस तरह से ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें सिंथेसिस याद नहीं होता। मैं कहता हूं सिंथेसिस याद करने की जरूरत ही नहीं है, यदि जिस तरह से मैं समझाता हूं उसको आप याद एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको 100% सिंथेसिस याद हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इस ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हम एक बार बोलते हैं, आपको शायद बेंजीन तो पता होगा, ये बेंजीन होता है। बेंजीन में यदि ध्यान देना, यदि बेंजीन में आप लोग इसको नाइट्रोजन लगा देंगे, यदि बेंजीन में एक नाइट्रोजन लगा देंगे हम इसको तो हम बोल रहे हैं बेंजीन। ओके, बेंजीन बोल दिया, हम इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। पिरिडीन की पैरा पोजीशन पे, मतलब नाइट्रोजन की नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे यदि हम क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम अल्फा बोलते हैं पोजीशन, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं, इसको गामा पोजीशन बोलते हैं। ओके, तो इस जो मॉलिक्यूल बना, यही वाला मॉलिक्यूल है, हम इसको बोलते हैं जो गामा पिकोलिन। ओके, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल पे क्वेश्चन आया हुआ है गामा पिकोलिन, या दूसरा नाम है इसका 1, 2, 3, 4 फोर्थ मिथाइल या फोर पिकोलिन बोलते हैं इसको। ओके, तो दोनों नाम है, जनरली स्टूडेंट पिकोलिन से समझ में नहीं आता, तो पिकोलिन किससे याद रखना, पाइरिडीन से याद रखना, ये पिकोलिन हो गया। अब सिंपल सी बात है, क्या सिंपल बात है, देखिएगा, यदि हम एल्केलाइन KMnO4
यदि हम एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो एल्कलाइन KMnO4 बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करता है, मींस रिंग के ऊपर जो कार्बन अटैच है उसका ऑक्सीडेशन करता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का। ओके, ये हमारा रिएक्शन कौन सा हो गया, रिएक्शन नंबर 1 दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट CH3 कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। फिर उसके बाद में आप देखेंगे दूसरा वाला, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये वाला जो मॉलिक्यूल बनता है हम इसको बोलते हैं आइसो निकोटिनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा आइसो निकोटिनिक एसिड है, इसका मतलब निकोटिनिक एसिड क्या होता है ये चीज बता देता हूँ। निकोटिनिक एसिड ये होता है पिरिडीन होता है, पिरिडीन की इस बीटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, हम उसको बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। ओके, निकोटिनिक एसिड ये होता है, तो मतलब एक पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, इसका आइसोमर है इसलिए हम इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकोटिनिक एसिड है, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड है, दोनों तरह से याद कर सकते हो, एक पोजीशन शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर एक जैसी है, इसका आइसोमर है, इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल एंड एसिड की प्रेजेंस में, तो इस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन हम अल्कोहल और एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, रिएक्शन सेकंड दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन को हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू एस्टर ग्रुप, क्लियर। जैसे ही एस्टर ग्रुप हमारा कन्वर्ट होता है, एस्टर ग्रुप को हम इजीली एमाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिएगा यहां पे इस ये वाला मॉलिक्यूल है, हम NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन बोलेंगे। ओके, ये हाइड्राजीन हो गया, हाइड्राजीन की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं, तो देखिएगा ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, इसका मतलब C2H5OH बाहर निकल गया और ये वाला पार्ट जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा हाइड्राजीन का एज सच मॉलिक्यूल जुड़ा है, तो दैट इज द हाइड्राजाइड, एमाइड का हाइड्राजाइड फॉर्म है, और जो हमारा ड्रग बना दैट इज आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड देखिएगा इस ये स्ट्रक्चर कैसे याद करना ये भी बता देता हूँ, आइसोनिकोटिनिक एसिड है, आइसोनिकोटिनिक एसिड तो ये हो गया, एसिड कहां से आया, हाइड्राजीन से, एसिड कहां से आया, हाइड्राजीन से। अब बात करते हैं, अपन ने INH बोला था वो कैसे होता है, देखिएगा इसका नाम होता है दूसरा आइसोनियाजाइड, कैसे आइसोनियाजाइड का आइसो निकोटिनिक एसिड साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्राजाइड, हाइड्राजाइड। ओके, तो देखिएगा निकोटिनिक एसिड से आइसोनिकोटिनिक एसिड आ गया, आइसोनिकोटिनिक एसिड आ गया, इसके साथ ये जुड़ा, इस वाले नेचर को बोलते हैं हाइड्राजाइड। तो किस तरह से याद करना है अपन को, I4 ISO N4 nicotinic H4 hydrazide, इस तरह से हमारा इसका नाम होता INH। ओके, तो ये हो गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आए होगी सर, कि सर आइसोनिकोटिनिक एसिड की रिएक्शन डायरेक्टली हाइड्राजीन से करवा देंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होती। रीजन बीइंग, देखिएगा ये एसिड होता है, ये एसिड होता है, एसिड की रिएक्शन हम इससे करवा देंगे तो देखिएगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्राजीन किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर होने की वजह से ये दोनों सॉल्ट बना लेंगे, हमारा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए पहले हमें आइसोनिकोटिनिक एसिड को उसका एस्ट्रिफिकेशन करना पड़ता है। एस्ट्रिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पे ये एसिड नहीं रहा, इस एस्टर से हम बड़े आराम से हाइड्राजाइड बना लेते हैं, हमारा आइसोनियाजिड बन जाता है। ये हो गया आपका सिंथेसिस, जस्ट रिवीजन के तौर पे पूरा चीज बता रहा हूं मैं। आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, पेरिस आपको याद रखना है कौन कौन सी होता है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करता है, निकोटिनिक एसिड का आइसोमर होता है, तो आइसोनिकोटिनिक एसिड हम गामा पिकोलिन या 4-picolin से बनाते हैं, गामा पिकोलिन का हम पहले ऑक्सीडेशन करते हैं तो आइसोनिकोटिनिक एसिड बन गया, आइसोनिकोटिनिक एसिड का हम एस्ट्रिफिकेशन करेंगे तो उसका रेस्पेक्टिव एस्टर बन गया, उस रेस्पेक्टिव एस्टर की
रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवा देंगे तो आपका आइसोनियाजिड बन जाएगा, दैट इज INH। ओके, ये हो गया। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा बनता है वो चीज बताता हूँ। एक तो आपका पहला है कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये चीज आपको याद करना है। दूसरा फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये चीज याद करना है। तीसरा फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी और होती है, ये चीज याद करना है। नेक्स्ट इसका माइकोलिक एसिड सिंथेसिस है, ये चीज याद करना है। नेक्स्ट इसको गामा पिकोलिन से इसका सिंथेसिस करते हैं, ये चीज याद करना है। INH का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चीज याद करना है। ये वही, तो इस तरह से ये सारे के सारे आपको क्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि क्वेश्चन आता है राइट द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड, तो आपको यहां से लेके यहां तक का आइसोनियाजिड का सिंथेसिस लिखना है, पूरा का पूरा ये आपको रिएक्शंस के बारे में लिखना है कौन सी है और कौन से रिएजेंट साथ में लेते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया आपका सिंथेसिस का। यदि क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसोनियाजिड, तो आपको ये वाला पार्ट भी लिखना है। ये वाला पार्ट मतलब इसकी थोड़ा सा कैटेगरी और इसका मैकेनिज्म एक्शन और इसका यूज, ये चीज, और उसके बाद में उसका सिंथेसिस लिख देंगे तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। और यदि अब तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सब तरह के क्वेश्चन पेपर भी डालता हूँ, मॉडल पेपर भी इसमें अपलोड कर चुका हूँ, और यहाँ पे एक सभी तरह के सब्जेक्ट के, चाहे मैं फार्माकोग्नोसी कहूँ, चाहे फार्माकोलॉजी कहूँ, चाहे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूँ, चाहे मेडिसिनल केमिस्ट्री कहूँ, सभी तरह के टॉपिक्स में अपलोड कर चुका हूँ। मींस पूरी फार्मेसी का सॉल्यूशन है यहाँ पे। आप सीनियर्स जूनियर्स अपने क्लासमेट्स सबको आप ये चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वंस अगेन।